दोस्तों क्या आप चांद पर जमीन लेना चाहते हो? क्योंकि सेलिब्रिटी और अमीर लोग जो हैं वो इस पर भाग भाग कर जमीन ले रहे हैं। और अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि साला चांद पर जमीन बेच कौन रहा है, और अगर हम इनकी देखा देखी चांद पर जमीन ले भी लें तो उस जमीन का करेंगे क्या, क्योंकि वहां ना पीने के लिए पानी है और ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। और इन सब के बावजूद भी अगर आपको चांद पर जमीन लेनी है तो आपका कितना रुपया लगेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब से हमारा विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ पहुंचा है चांद के साउथ पोल पे, मेरा बहुत मन करा था कि यार वहां पे कुछ जमीन खरीदूं, थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह ली जाए। जस्ट किडिंग गाइस, मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। दोस्तों आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि चांद पर जिंदा रहने के लिए ना वहाँ पर पानी है और ना ही ऑक्सीजन और ना ही अपनी पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट। चांद का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है और ये इतना घटता बढ़ता रहता है कि दिन में मून का टेम्परेचर 100 डिग्री से 127 डिग्री तक चला जाता है। भैया अगर अपनी पृथ्वी का 50 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता है ना तो लोगों में गर्मी के मारे हाहाकार मच जाती है, ये तो फिर भी 100 डिग्री है, ये टेम्परेचर आपकी बॉडी झेल ही नहीं सकती। और रात का टेम्परेचर -175 हो जाता है, यानी कि इतना ठंडा कि आप झेल नहीं पाओगे। ओवरऑल अगर बात करी जाए कि आपका शरीर मून पर कितने समय तक जिंदा रह सकता है तो इसका आंसर होगा 20-30 सेकंड बस, उसके बाद आप टपक जाओगे। इस माहौल में ना तो आप फसल उगा सकते हो और ना ही कुछ और काम कर सकते हो, ठलुआ बैठोगे बस। फिर लोगों को इतनी चुल्ल क्यों मच रही है कि इन सब के बावजूद भी कि लोग चांद की जमीन की रजिस्ट्री कराए फिर रहे हैं। इससे पहले ये जान लो बाबू भैया कि चांद पर जमीन बेच कौन रहा है। देखो 1967 में यूनाइटेड नेशन ने एक रूल निकाला आउटर स्पेस ट्रीटी पर, 110 बड़े देशों पर साइन कराया था। आउटर स्पेस ट्रीटी में स्पेस से रिलेटेड रूल्स बनाए गए थे, जिसमें से एक मेन रूल ये था कि देखो भैया चांद सूरज या मंगल ग्रह पर भले ही पहले कोई सा देश पहुंच जाए लेकिन उस पर हक कोई भी देश नहीं जमा सकता। पर इन लोगों का क्या जो चांद पर प्रॉपर्टी लेने का दावा करते हैं। देखो आउटर स्पेस ट्रीटी में ये साइन हुआ था कि कोई भी कंट्री किसी भी ग्रह पर अपना हक नहीं जमा सकता, और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये भाई साहब आए डेनिस होप, जो US गवर्नमेंट को एक लेटर लिखकर भेजता है कि ग्रहों पर कोई देश हक नहीं जमा सकता। सही है, लेकिन मैं तो देश नहीं हूं ना, मैं तो जमा सकता हूं ना। लेकिन US गवर्नमेंट ने इसे जरूरी न समझकर इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसे ऐसे ही हल्के में ले लिया। इसलिए इस बंदे ने अपने आप ही मान लिया कि चंद्रमा अब हमारा है और कई सारी वेबसाइट बनाकर चांद पर खुले में जमीनों को बेच रहा है। बेचने का मतलब आपके हाथों में जिसमें मून के कुछ डॉक्यूमेंट्स और आपका नाम लिखा होगा। वैसे इस सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ कागज का फर्रा है, फर्रा और कुछ नहीं। बस वही आपका स्टेटस बन जाएगा कि देखो हमने चांद पर जमीन खरीदी है। वैसे चांद की जमीन का प्राइस क्या है यही सोच रहे हो ना आप? इसका प्राइस वैसे तो बहुत ही कम है, जिससे खरीदने वाले को लगता है कि यार क्या ही प्राइस है, चलो खरीद ही लेते हैं। अगर आप चांद पर एक एकड़ जमीन खरीदना चाहते हो तो आपको मात्र $34 ही देने होंगे, यानी कि 2788 रुपए एक एकड़ के, बहुत सस्ती है ना। और आप मून पर ही नहीं बल्कि आप वीनस मार्स पर भी जमीन ले सकते हो इसी रेट पर। और भैया अगर आप एक भी रुपया बगैर खर्च किए चांद पर जमीन लेना चाहते हो टेक्निकल गुरुजी की तरह, तो आप फोटोशॉप से एडिट कर सकते हो। वैसे ऐसी घटिया हरकतों के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा, बल्कि आप खुद समझदार हो यार। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये मस्त वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो यार लाइक वगैरह कर दिया करो, क्योंकि यार आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। और शेयर करना ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जो चांद पर जमीन लेना चाहते हैं।